नमस्कार, मैं हूँ यास्मी। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही फैंस सोशल मीडिया पर कई सवाल उठा रहे हैं। उनकी मौत की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। करण जौहर, सोनम कपूर, आलिया भट्ट और सलमान खान समेत कई लोगों पर निशाना साध रहे हैं। वहीं बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत भी इस मामले को लेकर कई बॉलीवुड स्टार्स पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी है। सुशांत के मामले को कंगना ने नेपोटिज्म से जोड़ते हुए करण जौहर, आदित्य चोपड़ा और महेश भट्ट जैसे स्टार्स पर निशाना साधा था, जिसके बाद महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट ने कंगना को याद दिलाया था कि तुम्हें हमने लॉन्च किया था। इसके बाद दोनों के बीच काफी बहस भी हुई। वहीं हाल ही में महेश भट्ट को सुशांत मामले के चलते पुलिस स्टेशन बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया था, जिसके बाद अब आलिया ने कंगना का नाम लिए बिना उन पर एक पोस्ट शेयर कर निशाना साधा है। आलिया भट्ट ने एक अजीब सा पोस्ट किया जिसे कंगना रनौत से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल हाल ही में आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ईर्ष्या वास्तव में घृणा और कृतज्ञता की कमी के कारण होता है। आलिया के इस पोस्ट से तो ऐसा ही लग रहा है कि वो ये कहना चाह रही है कि कंगना उनसे जलती है। साथ ही उन्होंने कंगना को एहसान फरामोश भी बता डाला है। दरअसल कंगना को भट्ट परिवार ने ही लॉन्च किया था और अब कंगना उन्हीं पर निशाना साध रही है। ऐसे में आलिया का ये पोस्ट कंगना से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि कंगना कई दिनों से स्टार किड्स और बॉलीवुड में गैंगबाजी करने वाले स्टार्स को टारगेट कर उन्हें लताड़ रही है। उन्होंने कुछ दिनों पहले ही एक इंटरव्यू में बताया था कि महेश भट्ट, करण जौहर जैसे लोग आउटसाइडर्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते और उनके करियर को बर्बाद करने में लगे रहते हैं। लगता है कंगना की यही बात आलिया को पसंद नहीं आई और उन्होंने बिना कंगना का नाम लिए उन पर निशाना साध दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि आलिया के इस पोस्ट पर कंगना कैसे रिएक्ट करती है।